मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जानलेवा हमला हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है, गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया, पत्थर मारा गया। शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए हैं, किसी तरह से जान बचाकर निकले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, सुनी। मैं तो स्तब्ध हूं। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जैसे अराजकता का राज है। आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, पत्थर बरसाए गए, गाड़ी के पास आके लोग गाड़ी पर चढ़ने का और रोकने का प्रयास करने लगे, बमुश्किल अपनी जान बचाकर ड्राइवर ने उस गाड़ी को निकाला। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ ये हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है, तो सहज ही कल्पना की जा सकती है कि स्थिति कितनी भयावह है। ऐसी सरकार जो बहुमत खो चुकी है, क्या वो बौखलाहट में ऐसे हमले करवा रही है? मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं पुलिस से भी, पुलिस प्रशासन से भी, कि घटना की जांच कर जो भी दोषी है हमले के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए।